Hello everyone and a very warm welcome to Siksha. So guys, EPFO AOEO 2020 के exam के previous year questions discuss कर रहे हैं. History के questions अभी तक discuss कर चुके हैं, दो parts में discuss किए हैं history के questions हमने. तो do watch those videos as well. मैंने एक पूरी playlist बना दी है EPFO UPSC EPFO previous year questions का, तो उसमें सारे मिल जाएंगे और सारे exams cover करेंगे उसमें. APFC का भी जो पहले हुआ है या AOEO का जो 2017 में भी हुआ था, वो सब एग्जाम्स इसके अंदर कवर करेंगे ताकि एक अच्छे से कवरेज हमारी हो जाए. नाउ हिस्ट्री के बाद हम कंप्यूटर साइंस यहाँ पर करेंगे. दोस्तों कंप्यूटर साइंस से 2020 में 8 क्वेश्चन आए थे. 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंस रखते हैं, 8 क्वेश्चंस की वैल्यू बहुत अच्छी वैल्यू इसको कंसिडर किया जाता है पेपर के अंदर. और कंप्यूटर साइंस यहाँ पर जो टॉपिक आते हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि आपसे कंप्यूटर इंजीनियर वाली पढ़ाई पूछ रहे हैं. नहीं नहीं बहुत बेसिक लर्निंग होती है जो आपको स्कूल में एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है ना कंप्यूटर की, वो भी अगर आपने पढ़ लिया तो कंप्यूटर साइंस क्लियर कर जाओगे. और अल्टीमेटली बेटा ये 8-8 क्वेश्चन जो है ना, जैसे कंप्यूटर साइंस के 8 क्वेश्चन हो गए, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन हो गए, मैं बार बार बोलता हूँ कि ये ही आपका पेपर क्लियर कराएंगे अल्टीमेटली. अब अगर किसी के कंप्यूटर साइंस में से 8 में से 8 क्वेश्चन ठीक हो गए पेपर के अंदर, तो सोच लो उसने सारे का सारा गेम बदल दिया. ठीक है, आप पूरा टाइम इंडस्ट्रियल रिलेशन गैप हिस्ट्री पढ़ते रहे, कंप्यूटर साइंस वगैरह जैसे सब्जेक्ट्स को कंप्लीटली इग्नोर कर गए, और जिसने कंप्यूटर साइंस के ऊपर ध्यान दिया था हिस्ट्री और बाकी के सब्जेक्ट्स के साथ, पॉलिटी इकोनॉमी के साथ ध्यान दिया था कंप्यूटर के ऊपर, तो जाहिर सी बात है वो आपसे आगे निकल जाएगा. ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस देखेंगे. पीडीएफ इसका आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. पीडीएफ का आपको मैकेनिज्म ऑलरेडी पता चल ही चुका होगा. जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता दूं, इट इज जस्ट 99 रुपीज एंड आपको सारी पीडीएफ मिलेंगी जो भी ईपीएफओ की जितनी भी प्लेलिस्ट बन रही है, चाहे वो इंडस्ट्रियल रिलेशन है, गैप है, सोशल सिक्योरिटी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो भी है, जो भी ईपीएफओ के एग्जाम से रिलेटेड प्लेलिस्ट है यूट्यूब के ऊपर, वो सबकी पीडीएफ आपको मिलेगी. पहले क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे फटाफट से. Which one of the following is not a web browser? इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? देखो ये क्या क्वेश्चन है, मतलब क्या क्वेश्चन है ये? ऐसा कोई क्वेश्चन है कि आप इसको गलत कराओ? लेकिन कई बार क्या होता है, नहीं इंटरेस्ट होता आदमी का कंप्यूटर के अंदर, किसी किसी का, कोई बहुत ज्यादा नहीं ध्यान देता. तो बस करना क्या है, सिर्फ एनसीईआरटी की किताब पढ़नी है. एनसीईआरटी की किताब पढ़ ली तो अपने आप क्लियर हो जाएगा. अब इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, इजी क्वेश्चन है. गूगल क्रोम सब यूज करते हैं, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर सब यूज करते हो, सबको पता है कि ये वेब ब्राउजर है. तो अगर फेडोरा के बारे में नहीं भी पता कि क्या है क्या नहीं है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स और गूगल क्रोम तो इतने ज्यादा आम है, अगर आप कंप्यूटर चलाते हो, इंटरनेट यूज करते हो, तो ये तो इतने ज्यादा आम है कि मेरे ख्याल से ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो पेपर के अंदर आप गलत करके आओ. ये तो संडे ट्रीट है, ये तो एग्जामिनर ने आपको संडे की ट्रीट दी है कि हाँ यार बच्चा अपना संडे खराब करके पेपर देने आया है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ट्रीट दे देते हैं. ये तो वो वाली चीज है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है. फेडोरा विल बी द राइट आंसर, ओके, ऑप्शन सी. अब देखो वेब ब्राउजर्स, ये एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्टली मेंशन्ड है. वेब ब्राउजर क्या होती है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है, पता होना चाहिए. इस सॉफ्टवेयर को आप किस लिए, सॉफ्टवेयर बेसिकली आप एप्लीकेशन फोन के अंदर भी यूज करते हो ना, वो क्या है, वो सॉफ्टवेयर ही तो है. तो वेब ब्राउजर भी एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिससे आप अपने वेरियस वेब पेजेस को व्यू करते हो इंटरनेट के ऊपर. तो जो भी बेसिकली इंटरनेट के ऊपर वेरियस वेब सर्वर्स इंफॉर्मेशन घुमा रहे हैं, वो आपको वेब सर्वर ही तो ला करके देंगे. इंटरनेट ऐसा कोई खजाना थोड़ी है कि आप जाओगे और उस खजाने की जो चाबी है वो ये वेब ब्राउजर है. जब तक आपके पास ये वेब ब्राउजर नहीं होगा तब तक आप इंटरनेट को यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना. कॉमनली यूज वेब ब्राउजर्स में आपके ये देखो, यहाँ पर गूगल क्रोम आ गया, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर आ गया, मोजिला आ गया, ओके, ये तो आपके ऑप्शंस में थे, बाकी ओपेरा वगैरह भी इसके अंदर आ जाता है, ओके. एंड वेब ब्राउजर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स को डिस्प्ले करता है जिसके अंदर टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, हाइपरलिंक्स हो सकते हैं जो आपको एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट आ जाएंगे फेडोरा. फेडोरा बेसिकली क्या बेटा, फेडोरा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज, ठीक है, विंडोज जानते हो ना आप, अगर कंप्यूटर पे यूज कर रहे हो तो वो क्या है, वो आपका विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है. एंड्रॉइड आप अपने फोन के अंदर यूज कर रहे हो, वो क्या है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है. एप्पल के अंदर जो आपका iOS, वो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना. वैसे ही फेडोरा भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. जब आप कंप्यूटर चलाते हो अगर उसके अंदर विंडोज नहीं है, ठीक है, या उसके अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो चलेगा ही नहीं.
ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या करता है, वो वेरियस हार्डवेयर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, वेरियस हार्डवेयर्स एंड सॉफ्टवेयर्स के लिए, जहां पर फिर आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, फेडोरा लिनक्स सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, लिनक्स एक अपने आप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो बेसिकली फेडोरा इज इक्वल टू विंडोज, आप याद रख सकते हो अगर आपका कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है। सिंपल भाषा में याद करो चीजों को। देखो ये कितना बेसिक क्वेश्चन है, मतलब ये रोजमर्रा के क्वेश्चन है कि एक जीबी के अंदर कितनी इंफॉर्मेशन है। अब एक जीबी एमबी सबको पता है, ठीक है सबको पता है। अगर मैं किसी अनएजुकेटेड पर्सन से भी आज की डेट में जाकर पूछूं ना कि एक जीबी में कितने एक जीबी में क्या होता है, कितने केबी होते हैं, कितने एमबी, कितने टीबी या कितने पीबी होते हैं, वो भी बता देगा। क्योंकि जब से ये जियो आया है वो गेम चला ना, एक हर रोज में एक जीबी, डेढ़ जीबी, दो जीबी, सबको पता है। ठीक है, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। एक जीबी में आपके 1024 एमबी होते हैं। ठीक है, अब एनसीईआरटी के अंदर देखो ये टेबल अपने को गिवन है, ये टेबल अपने को याद होना चाहिए। ठीक है जी, चलो एमबी जीबी तक तो ठीक है, अगर वो पीबी ईबी के ऊपर ले जाए तो वो भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में है। अब देखो एक किलो बाइट में एक केबी में कितने हो गए बेटा, 1024 बाइट्स हो गए। एक एमबी में कितने हो गए, 1024 केबी हो गए। फिर एक जीबी में 1024 एमबी हो गए। फिर जीबी के बाद उससे बड़ा आ जाता है टेराबाइट, उसमें 1024 जीबी हो जाएंगे। टीबी के बाद आ जाएगा पेटाबाइट, उसमें 1024 टीबी हो जाएंगे। एक्साबाइट, 1024 पीबी, जेटाबाइट और फिर योटाबाइट। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वाली होती है वो प्रीवियस वाली से 1024 टाइम्स है, एक तरीके से ये लगा लो। क्लियर है, इसको याद करना। वो इस एक क्वेश्चन इस तरीके से अगर वो फॉर्म कर दे, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, आपको फॉर एग्जाम्पल वो दे दे नंबर 1 जीबी, नंबर 2 एमबी, नंबर 3 टीबी, फुल फॉर्म्स में लिख करके देगा, नंबर 4 केबी। अब आपको ऑप्शंस दे दे, फॉर एग्जांपल यहां पर ऑप्शन दे 1 2 3 4, ऑप्शन बी देगा आपको 4 2 1 3, ऑप्शन सी देगा आपको 2 1 3 4, डी दे देगा आपको 4 1 2 3, इस तरीके से कुछ भी ऑप्शन दे देगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सबसे पहले केबी, उसके बाद एमबी, उसके बाद जीबी और फिर टीबी। ठीक है, तो दिमाग को खुला रखोगे तो अपने आप पेपर में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं है। हाँ, ये ऐसा एक क्वेश्चन है जो नॉर्मल डे अगर कोई कंप्यूटर यूज करता है तो उसको शायद ना पता हो। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस यू हैव गॉन थ्रू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं लिया, आप सिर्फ एक रेगुलर कंप्यूटर यूजर हो तो आपको मुश्किल लगेगा ये क्वेश्चन, ये मानता हूं। तो एनसीईआरटी अगेन पढ़ी होगी तो हो जाएगा। अच्छा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ी होगी, एनसीईआरटी पढ़ी होगी, तो मैं आपको ये बता दूं कंप्यूटर साइंस की एनसीईआरटीज मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, पूरी की पूरी कराऊंगा, डो नॉट वरी, कंप्यूटर साइंस की एनसीईआरटीज मैं आपको कराऊंगा। इनफैक्ट मैं ये सोच रहा हूँ कि कंप्यूटर साइंस के जो एनसीईआरटी के एमसीक्यूज हैं, मैं आपको यहाँ पर थ्योरी कराऊंगा, उसके एमसीक्यूज बना करके ना मैं सारे के सारे एमसीक्यूज कंप्यूटर साइंस का भी कोर्स उसके साथ लिंकअप कर दूं, जो आपका कॉम्बो कोर्स आप लेते हो ना, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर और गैप और सोशल सिक्योरिटी का जो एमसीक्यू का हमने कोर्स बनाया हुआ है। ठीक है, उसी के अंदर इसके एमसीक्यूज भी डाल दूंगा। ओके, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, तो यहां पर आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, लिंकर। असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, ये तीनों क्या होते हैं, आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है जी, देखो कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, तो कंप्यूटर आपकी और मेरी भाषा थोड़ी समझेगा, कंप्यूटर किसकी भाषा समझेगा, मशीन लैंग्वेज समझेगा। अब हम देखते हैं ना, प्रोग्राम कोडर होते हैं, वो कोड लिखते हैं, तो वो कोई मशीन लैंग्वेज थोड़ी है, वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो मुझे और आपको नहीं समझ आएगी, लेकिन वो मशीन लैंग्वेज भी नहीं है। तो ट्रांसलेटर का क्या काम होता है, ट्रांसलेटर जैसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है ना कि भाई अब अगर मोदी जी को चाइना जाना है तो वो एक चाइनीज ट्रांसलेटर को साथ में लेके जाएंगे, ताकि जो चाइनीज पर्सन कुछ बोल रहा है तो वो ट्रांसलेट करके मोदी जी को हिंदी या इंग्लिश में बता दे। सिमिलरली लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम होता है कंप्यूटर के अंदर। अब जो हाई लेवल लैंग्वेज है, कोडिंग की जो लैंग्वेज है, ट्रांसलेटर क्या करेगा, इसको मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है जी, अब जो हाई लेवल लैंग्वेज है या जो कोडर की लैंग्वेज है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स कोड बोलते हैं। तो सोर्स कोड को ट्रांसलेटर किस चीज के अंदर कन्वर्ट कर देगा, मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब क्योंकि अलग अलग टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं, अलग अलग ट्रांसलेटर्स का यूज किया जाता है
सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए तीन टाइप ऑफ ट्रांसलेटर हमारे पास आ जाते हैं, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ठीक है, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर आपको समझ में आ गया क्या हो गया, जो बेसिकली आपकी कोडिंग वाली लैंग्वेज को या आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। लिंकर क्या होता है? लिंकर देखो अब क्या हो गया, हमने कहा कि अलग अलग ट्रांसलेटर्स होते हैं, ठीक है, असेंबलर हो गया, कंपाइलर हो गया, तो ये अलग अलग काम कर रहे हैं अलग अलग टाइप ऑफ कोड पे, क्योंकि हमने बोला ना कि हर ट्रांसलेटर सारे कोड्स को नहीं डीकोड कर सकता, असेंबलर किसी कोड को डीकोड करेगा, कंपाइलर किसी को। लिंकर का क्या काम होता है, जो अलग अलग ट्रांसलेटर्स डीकोडिंग कर रहे हैं ना, ये उन सबको ज्वाइन करके एक सिंगल कमांड की फॉर्म में कंप्यूटर को दे देगा। ठीक है, दो टाइप ऑफ लिंकर्स आते हैं, डायनेमिक और लिंकेज। ओके, क्लियर हो गया, लिंकर भी और लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, ये भी बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, मतलब अगर कंप्यूटर यूज करते हैं तो डेफिनेटली इजी क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अ डिवाइस ड्राइवर ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। डिवाइस ड्राइवर के बारे में आपको बताना है वो क्या करता है। ऑप्शन ए कहता है कि इंटरप्रेट्स इनपुट प्रोवाइडेड बाय यूजर इनटू कंप्यूटर यूजेबल फॉर्म। अच्छा जी, कि जो यूजर इनपुट दे रहा है उसको ये कंप्यूटर यूजेबल फॉर्म में इंटरप्रेट करके कंप्यूटर को कमांड देगा। इंटरप्रेट्स कंप्यूटर आउटपुट इनटू यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, कि जो कंप्यूटर आउटपुट दे रहा है वो एज अ यूजर आपको समझ में आ जाए उसको ट्रांसलेट करेगा। ट्रांसलेट्स यूजर इनपुट इनटू आउटपुट डिवाइसेस, फैसिलिटेट्स यूजर टू कम्युनिकेट विद आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, इजी है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे या डिवाइस ड्राइवर के बारे में समझ लोगे तो इजीली आंसर कर पाओगे। आंसर होगा यहां पर आपका ऑप्शन बी। ठीक है, तो कंप्यूटर के आउटपुट को यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म के अंदर ये इंटरप्रेट करेगा। ओके, अब देखो जी डिवाइस ड्राइवर क्या होता है उसको समझो। अब आप एक कंप्यूटर ले आए, कंप्यूटर किसके ऊपर चलता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आज आप एक कंप्यूटर ले आए तो उस कंप्यूटर में आज के हिसाब से वेरियस डिवाइसेस वगैरह इंस्टॉल्ड होंगी, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। लेकिन हर रोज कंप्यूटर की तो नई डिवाइसेस आ रही हैं, नए कंपोनेंट्स आ रहे हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो सबको नहीं संभाल सकता ना, इतना कितना फ्यूचरिस्टिक बनाओगे उसको, है ना? तो ऑपरेटिंग से या हर बार कंप्यूटर उठा करके आपको लेकर के नया कंप्यूटर लेकर के आना पड़ेगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सारी नई डिवाइसेस को ऑपरेट कर पाए, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम एक फंडा लेकर के आए ड्राइवर्स का। ठीक है, ड्राइवर बेसिकली एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही उसको काम करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम और जो नया डिवाइस है उसके बीच में एक इंटरफेस क्रिएट कर देगा, एक इंटरैक्शन क्रिएट कर देगा, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम उस चीज को रन करने में हेल्प कर सके। जैसे अब आपने स्पीकर लगाए कंप्यूटर के ऊपर तो नहीं चलेंगे जब तक आप उसके साउंड के ड्राइवर नहीं इंस्टॉल करोगे। ठीक है, तो ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है ना हर चीज का आपको पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर्स इज यूज्ड टू कीप ट्रैक ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू द टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है जी, अब आप कंप्यूटर को एक साथ मल्टीपल कमांड्स दे रहे हो, ठीक है, तो कंप्यूटर को तो फटाफट काम करना मशीन है, तो अल्टीमेटली एक रजिस्टर होता है कंप्यूटर के अंदर जिसके अंदर ना वो पूरा मेंटेन करता है कि हाँ भाई इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ठीक है, ताकि ऑपरेशन जो है वो फास्ट हो जाए। तो ऐसे रजिस्टर को हम क्या बोलते हैं? So, ये भी अगेन कंप्यूटर की नॉलेज है तभी आंसर कर सकते हो, एनसीईआरटी के अंदर कवर्ड है ये वाला। आंसर है सी, प्रोग्राम काउंटर। ठीक है जी, तो रजिस्टर बेसिकली होता क्या है, ये सीपीयू के ऊपर ही एक छोटा सा स्पेस अवेलेबल होता है, छोटा सा स्टोरेज अवेलेबल होता है। काम इसीलिए इसका क्या होता है कि ज्यादा स्पीड से आप कंटेंट को एक्सेस कर सको। ठीक है, क्योंकि रजिस्टर के अंदर अगली कमांड पहले से रिटर्न है कि ये करना है। ठीक है, और जो प्रोसेसर रजिस्टर्स होते हैं ये टॉप पे आते हैं मेमोरी हायरार्की के सीपीयू में, जो डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स यहाँ पर आ जाएंगे, प्रोग्राम काउंटर, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड जो क्वेश्चन में था, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इसका क्या काम होगा, होल्ड्स इंस्ट्रक्शन टू बी डीकोडेड बाय द कंट्रोल यूनिट। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन बेसिकली कंट्रोल यूनिट ने अभी डीकोड करनी है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है, बेसिकली ये मेमोरी लोकेशन की तरफ पॉइंट करेगा जहां पर सीपीयू प्लान कर रहा है एक्सेस करने का या रीडिंग करने का या राइटिंग करने का इंफॉर्मेशन का। मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर या जिसको आप मेमोरी डेटा रजिस्टर भी बोलते हो, इसका क्या काम होता है, ये डेटा को स्टोर करेगा जो सीपीयू से आ रहा है या जो सीपीयू से डेटा ट्रांसफर हो रहा है। एक्यूमुलर, ACC बोलते हैं इसको, ये जनरल पर्पज रजिस्टर है जो वेरिएबल और टेम्पररी जो रिजल्ट्स होंगे प्रोसेसिंग के बाद के उसको स्टोर करेगा। तो ये भी आपसे पेपर के अंदर पूछ सकता है, जैसे इस बार प्रोग्राम काउंटर पूछ लिया
कि आपका अगली बार इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पूछ ले, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर पूछ ले, MBR पूछ ले, एक्यूमुलर पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता। Which one of the following is not an audio file format? इनमें से कौन सा audio file format नहीं है? MIDI, WAV, SWF, MPEG, audio file format. Again, हर किसी को नहीं आता होता ये आंसर, लेकिन किताब पढ़ लोगे तो ईजी हो जाएगा। राइट आंसर ओवर हेयर गाइज इज ऑप्शन सी, SWF. SWF. तो SWF बेसिकली ये एक Adobe का फ्लैश फाइल फॉर्मेट है जिसके अंदर वीडियो और एनिमेशंस वगैरह होते हैं। SWF का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज स्मॉल वेब फॉर्मेट, इसको शॉक वेब फॉर्मेट भी कहते हैं कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिक ऑपरेशंस फॉर कन्वर्टिंग रॉ इनपुट डेटा इनटू यूजफुल इन्फॉर्मेशन इज नॉट परफॉर्म बाय ऑल कंप्यूटर्स, मतलब कि सारे कंप्यूटर किस फंक्शन को नहीं परफॉर्म करते। आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, स्विचिंग। स्विचिंग जो होता है ये नेटवर्क्ड कंप्यूटर्स के अंदर प्रोसेस फॉलो होता है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली रूट बना हुआ होता है थ्रू नोड्स, जैसे ऑफिस वगैरह के अंदर जहां पर सिस्टम्स को कनेक्ट किया जाता है, जहां से आप इजीली डेटा को ट्रांसमिट कर सको। दो तरह की स्विचिंग टेक्निक्स होती हैं, सर्किट और पैकेट स्विचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज एक्सट्रीमली फास्ट एंड एक्ट एज अ हाई स्पीड बफर बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। तो दो करेक्टरिस्टिक्स यहां पर आपको गिवन है कि एक तो एक्सट्रीमली फास्ट है, दूसरा बफर मेमोरी का काम करती है सीपीयू और मेन मेमोरी में। ऑप्शंस है रैम, रोम, फ्लैश मेमोरी या कैश मेमोरी। सो यहां पर आपका जो आंसर होगा दोस्तों दैट विल बी ऑप्शन डी, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी बेसिकली देखो क्या होता है, ये काफी कम मेमोरी होती है सीपीयू के अंदर। ये जब सीपीयू वेरियस कमांड्स, वेरियस इंफॉर्मेशन, वेरियस चीजों की प्रोसेसिंग कर रहा है ना, उस प्रोसेसिंग के टाइम पर टेम्पररीली फाइल्स को स्टोर करने का काम करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि सीपीयू जो है वो मेन मेमोरी के मुकाबले बहुत फास्ट स्पीड पे रन करता है, और अगर सीपीयू ये जो टेम्पररी फाइल्स हैं जो प्रोसेसिंग के टाइम पर जनरेट हो रही है और जो प्रोसेसिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको मेन मेमोरी में स्टोर करेगा, तो प्रोसेस जो है कंप्यूटर का वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा, स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी। तो ऐसा ना हो इसीलिए सीपीयू क्या करेगा, इन टेम्पररी फाइल्स को अपने ही अंदर एक मेमोरी बनी हुई है, कैश मेमोरी जिसको बोलते हैं, उसमें स्टोर करेगा ताकि सीपीयू का वेटिंग टाइम रिड्यूस हो जाए, ठीक है। सो कैश मेमोरी आपको समझ में आ गया, ये फास्टेस्ट है और डेडिकेटेड है टेम्पररी फाइल स्टोर करने के लिए सीपीयू पर। एंड विद दिस वी आर डन विद द 8 क्वेश्चंस ऑफ कंप्यूटर साइंस एज वेल। कंप्यूटर की एनसीईआरटीज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं करवाऊंगा, थोड़ा सबर रखो, करवाऊंगा। ऐसा नहीं है कि कल से ही शुरू हो जाएंगी, पर मैं करवाऊंगा। तो कोई भी अगर ये वीडियो दिख रहा है, यू हैव माई वर्ड, कंप्यूटर जितना आपको करने की जरूरत है उतना कंप्यूटर का थ्योरी मैं आपको यहीं पर करवा दूंगा, ओके। पीडीएफ में आपको बोल चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि अपडेट्स मिलते रहें, एंड शेयर भी कर देना अगर अच्छा लगे तो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।